अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। संगठन मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार शिक्षा और छात्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2013 में रूसा लागू करके प्रदेश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री नवीन शर्मा ने रूसा सिस्टम को पूरी तरह फ्लॉप सिस्टम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसा सिस्टम के अंतर्गत जो परीक्षाएं ली गई हैं उसमें कोई भी छात्र ना तो फेल हुआ और ना ही किसी की कंपार्टमेंट आई है। यहां तक कि कई छात्र तो बिना परीक्षा दिए ही पास हो गए। इससे यह साबित होता है कि रूसा सिस्टम से शिक्षा का स्तर गिरा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो एक तानाशाह सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नए महाविद्यालय खोलने की घोषणाएं कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ना तो महाविद्यालयों के अपने भवन हैं और ना ही शिक्षक, तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार को बने 2.5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्रदेश में शिक्षा मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शैक्षणिक भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 सालों से विद्यार्थी परिषद कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति के खिलाफ सबूतों सहित भ्रष्टाचार का मामला उठा रही है लेकिन सरकार भ्रष्ट कुलपति को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौनी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति पर 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की मांग कर रही है लेकिन सरकार उसको भी संरक्षण दे रही है। मिलाकर हम देखें तो इस प्रदेश के अंदर आज जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा छात्र विरोधी इतने फैसले लिए, इस सरकार को जो है हम छात्र विरोधी सरकार जो वो कह सकते हैं। और आने वाले समय में अगर यही सारा मामला जो है वो बंद नहीं हुआ, सरकार इन सारे विषयों के ऊपर नहीं सोचती है, तो विद्यार्थी परिषद ने ये फैसला लिया है कि हम जो है वो सरकार के इन काले कारनामों को लेकर प्रदेश के अंदर जो है वो आने वाले समय में एक ब्लैक पेपर जारी करेंगे और उस ब्लैक पेपर के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे, आम समाज के बीच में जाएंगे और उस ब्लैक पेपर को माध्यम बनाते हुए प्रदेश के अंदर जो है एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन जो है वो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद जो है वो खड़ा करने वाली है। इसलिए सही समय रहते हुए हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप छात्र विरोधी निर्णय लेना बंद करो। युवाओं को, छात्रों के ऊपर जो है वो अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं तो ये सरकार उनको डराने धमकाने का काम करती है, उनके ऊपर केस बनाने का काम करती है, उनको जेलों में डालने का काम करती है। तो कुल मिलाके इन सारी बातों को ऊपर हम सरकार को चेताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार की नाकामियों को लेकर ब्लैक पेपर जारी करेगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।